कोई है क्या? मानसी भाभी आ गए सब? जी बोलिए। मानसी भाभी घर में नहीं है क्या? वो अंदर है। वो घर में ना थोड़ी चीनी खत्म हो गया है, मिलेगी क्या? आप रुकिए यही, मैं लेकर आती हूँ। तो तुमने हमारी दोस्ती के बारे में क्या सोचा? छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। नीरज भाई साहब, आप? भाभी वो घर में ना थोड़ी चीनी खत्म हो गई थी, बस वही लेने आया था। अच्छा चलता हूँ। अच्छा बाय आरुषि। बाय। आरुषि कुछ चल रहा है क्या तुम दोनों के बीच? नहीं दीदी ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तू जल्दी से रेडी हो जा, मैं मार्केट जा रही हूँ और फिर शाम में हम तीनों फिल्म देखने चलेंगे, ठीक है? मानसे, मानसे। जीजू आप आ गए? हाँ तुम तैयार नहीं हो अभी तक? और मानसी कहाँ है? दीदी मार्केट गई है, आती होंगी। आप बैठिए मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। जीजू थैंक यू, तुम जल्दी तैयार हो जाओ। बस आई। आरुषि क्या हुआ, उदास क्यों लग रही है? कुछ नहीं दीदी, बस विकी की याद आ रही है। आरुषि मैं तेरे दुख को समझ सकती हूँ, उस दुख को बांट भी सकती हूँ, लेकिन आरुषि उस दुख से तुझे खुद बाहर निकलना होगा। खुद के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, मम्मी पापा के लिए ना सही, कम से कम विक्की के लिए प्लीज। देख तेरे आगे कितनी लंबी जिंदगी पड़ी है, अपनी जिंदगी को ऐसे बर्बाद मत कर प्लीज। लेकिन प्यारी बेर तुम क्या? आशीष क्या हुआ? आरुषि बहुत परेशान है, वो विकी को बहुत मिस कर रही है, उसे भुला ही नहीं पा रही है। मैंने कितना समझाया उसे, प्लीज एक बार तुम भी समझाओ ना। आंसी तुम फालतू में टेंशन ले रही हो, थोड़ा वक्त दो उसे, सब ठीक हो जाएगा, भूल जाएगी उसे। अभी सो जाते हैं, सुबह मुझे काम पे जाना है जल्दी। सो जाओ। आशीष आशीष
ये कहाँ चले गया? आशीष कहाँ चला गया ये? मानसी कहाँ चले गए थे तुम? कुछ नहीं यार, वो बस नींद नहीं आ रही थी तो बाहर टहलने चला गया। बताना तो चाहिए था ना, जगा देते मुझे। तुम सो रही थी ना तो सोचा अकेले चला जाऊं। चलो आ जाओ अब। हाँ तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। आगसी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुमने मेरी दोस्ती के प्रपोजल का जवाब नहीं दिया अभी तक। मानसी। हाँ? मेरा बैग लेकर आना, लेट हो रहा हूँ यार। लाई लाई, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। मुझसे दोस्ती करोगी फायदे में रहोगी। देखो मुझसे दूर रहो, समझे ना? तुम जैसे लड़कों को ना मैं अच्छे से जानती हूँ। दोबारा मेरे नजदीक आए ना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये लो। थैंक यू। जल्दी आना। पक्का। हाँ मनीष। हाँ निकल रहा हूँ मैं। अब बताओ मंजूर है मेरा प्रपोजल? हाँ। ए, छोड़ से। क्या कर रहे तू? ये तेरी हिम्मत कैसे हुई आरिशी से बदतमीजी करने की? ना तुझे तो मैं शरीफ समझता था। ज्यादा गर्मी दिखाने की जरूरत नहीं आशीष भाई, मैं बस आरुषि से बात कर रहा था। और सराफत की तो तुम बात ही मत करो, अभी भी अकड़ दिखा रहा है। जी जी जाने दो, रहने दो। अरे अकड़ दिखा रहा है। जी जी रहने दो। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? आयुषी के साथ बदतमीजी कर रही है। ये क्या है नीरज भाई, क्या बदतमीजी है ये? अपने पति से पूछो। देखा देखा, एक तो बदतमीजी करता है ऊपर से अकड़ दिखा रहा है। अब शांत हो जाओ, आप ऑफिस जाइए, मैं देखती हूँ। शान से मार दूंगा मैं इसे। प्लीज शांत। ऋषि तुम ठीक हो? चलो ज्यादा टेंशन मत लो। आरुषि,
क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच? सॉरी भाभी सॉरी। आरुषि क्या कर रहा था ये यहां पर? कल जब मैंने तुझसे पूछा था कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है क्या, तो क्या कहा था तूने? कि कुछ नहीं चल रहा दीदी। और आज सुबह इतना सब कुछ हो गया तब भी तूने कुछ नहीं बोला, और अब ये सब यहां तक पहुंच गई बात, अब कुछ बोल। मानसी क्या हुआ, सोई नहीं अभी तक? कुछ सोच रही हो क्या? बताओ। वो आशीष, मुझे लगता है कि नीरज भाई साहब और आरुषि का अफेयर चल रहा है। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार, अगर होता तो बताती ना मुझे सुबह। तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? तुमने कुछ देखा क्या? नहीं बस ऐसी मन में एक बात आई। यार तुम भी ना कुछ ही मत सोचा करो, चलो तुम चलो मैं आती हूँ। क्राइम वर्ल्ड सिर्फ शेमारू टीवी पर।